गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। और बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है व्लॉगिंग का, क्योंकि काम ही ज़्यादा लेट हुए हैं आज मेरे। दक्ष अभी नहा रहा है और मैं जो हूँ नहा के फ्री हो चुकी हूँ। व्लॉग के एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, उसको अपलोड करती हूँ थोड़ी सी देर में। आज और ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है, जैसे बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, मौसम सही होने से पहले फिर से वैसी हो गया है। और ये मेरा जो है डाइट वाला ही पानी है जो मैं पी रही हूँ अभी। गर्म ये गुनगुना है मतलब अभी। और सर्दियों में, गर्मियों में तो गुनगुना पानी भी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो मैंने सुबह इसमें भर के पानी बनाया था और अभी तक मैं इतना जो है पी चुकी हूँ। इस ग्लास को मैं अंदर ले जा रही हूँ और बहुत अच्छी हवा खिड़की से आ रही है ठंडी ठंडी। तो मैंने क्या करा, यहाँ की खिड़की जो है ना मैंने पूरी खोल दी, जाली वाली भी खोल दी, अच्छी अच्छी हवा आ रही है। तो आराम से बैठ के हवा के आगे अपना ब्लॉग जो है एडिट करती हूँ, ब्लॉग का काम करती हूँ, फिर आगे खाने पीने का करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दशकार की। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब? सुबह हो गई, मतलब दिन हो गया, नहा धो के पूरा रेडी हो गया था मैं, बाकी अभी दूध पी रहा था। कैसे लग रही है? क्या लूज लगा हुआ? मस्त है, अच्छे लग रही है। टी शर्ट इसको पाइप पहन के साथ पहनेंगे, अच्छा लगेगा। ये और लूज मंगाओ ना, ना सही है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है ये, नहीं सही है इतना, ठीक है। और बाकी तो खैर कुछ नहीं, दूध वगैरह पी रहा हूँ, मस्त करके हवा रही, तभी पंखा नहीं चला रखा है। यहाँ से बाहर खिड़की से खतरनाक वाली हवा मिल गई है करके। और बाकी कुछ नहीं है यार, मैं यहाँ मस्त करके लेट गया हूँ। और आज मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने क्या रखा है कि थोड़ी बहुत वीडियो डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पर ये इतनी बस। तो चलो फिर अभी तो रेस्ट नहीं करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत हॉलीडे होमवर्क तो काम थोड़ा सा ही बचा है, तो उसको बाद में कर लूँगा। और फोन बिस्तर में क्यों रखा है? हाथ में पकड़ो ना उसको। तो चलो फिर अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, रेस्ट वगैरह करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलूंगा। दोपहर के 3 बज रहे हैं, रात के 3 नहीं बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस रूम की खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं ना, तो अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि जस्ट अभी अभी एसी ऑन किया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गर्मी की वजह से बाहर से हवा तो चली थी लेकिन गर्मी की वजह से हमारे फ़ोन बहुत हीट कर रहे थे, तो एग्जैक्टली फ़ोन के लिए जो एसी चलाया थोड़ा सा कूल हो जाए करके। बाहर हवा तो चल रही है, वैसे ना लू वाली हवा है, जो लू होती है वाली हवा है। 3 बजने वाला है, खाना नहीं खाया ना दक्ष ने ना मैंने। दक्ष तो बोल रहा है 3 बजे खाऊंगा मैं लाल चावल, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने खीरा कट कर रखा है, अब मैं खीरा खाऊंगी। शाम को मैं जाऊंगी बाहर, आज अपना सूट सिलवाने के लिए देना है, और एक दो कुर्तियां हैं मेरी लूज़ हो गई है उनको फिटिंग कराने के लिए देना है, और एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लेके आनी है। दो चार काम है और कर लें। शाम को 5-6 बजे आराम से जाऊँगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। खीरा खाती हूँ फिर 3 बजे इसको खाना देती हूँ। जी मित्रों, मैं हो गई हूँ रेडी और जाने के लिए बाहर पे, इसका बटन मास्क लेके अपना जा रही हूँ। धूप हो रही है, अभी भी 5:30 बजने वाले हैं। दक्ष घर में ही है और मैं और बगल वाले जो हैं हम दोनों जने जा रहे हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। आंशी, आंशी निकलते हैं। गई हूँ मैं घर बाहर से और हाल ऐसे हो गए हेलमेट से, और अपना जो भी काम था सारा करा के लेके आ गई मैं। और पर्स सिलवाने थे अपने, एक दो कुंडा निकल गया था उनका, H&M का पर्स था मेरा एक, और एक और पर्स था। वो सारा काम करा के आम लेके सूट सिला के और एक दो चीज़ें लेके आई हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। पहले कपड़े चेंज करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, पानी पीते हैं, फूलों में पानी डालते हैं, फिर खाने पीने की तैयारी करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ घर के। बहुत थकान हो गई, वहाँ हमने जूस पिया था फिर भी थकान ही लग रही है अभी भी। और दक्ष चले गया खेलने के लिए। हो
तो जी ये मेरा H&M का बैग था, इसका ना ये कुंडा टूट गया था तो ये लगवा के लेके आई मैं, और दूसरा पर्स भी साइड से सिलवा के लेके आई, वो वही रह गया है। और मैं ये कुछ कपड़े लेके आई हूँ, उसमें से देखिए एक स्कार्फ में ये लेके आई हूँ, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है। एक स्कार्फ में ये लेके आई हूँ, ये भी सिर्फ 50 रुपीज़ का है, ऐसे ना डालने के लिए गर्मी में अच्छे रहते हैं। और दूसरी चीज़ ना मैं ये लेके आई हूँ, देखो आप लोगों को दिखाती हूँ, एक कुर्ती ये, तो मैं आप लोगों को ना पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी पहली कुर्ती है ये वाइट कलर की, ये ना मेरा बहुत मन था, मैं चाह रही थी इसमें नीचे भी एम्ब्रॉयडरी होती बट वाली मुझे मिली नहीं। ये ब्लैक कलर की जींस के साथ ना बहुत अच्छी लगेगी, और लूज लूज ली है मैंने काफी, और ये मैंने ली है 200 की। अब मैं आप लोगों को सेकंड कुर्ती पहन के दिखाती हूँ। तो जी दूसरी कुर्ती ये है, सेम उसी का ब्लैक कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारे कलर थे तो ये भी मैंने जो है 200 की ली थी, और बहुत अच्छी लगती है वाइट जींस के साथ या आप पैंट्स के साथ पहन सकते हो, बहुत अच्छी वाइट ऑफ वाइट किसी के साथ। ये भी मैंने लूज लूज ली है, ये दोनों मैंने एक ही जगह से लिए, दोनों 200 रुपए की है। अब मैं आप लोगों को तीसरी कुर्ती पहन के दिखाती हूँ। ये है मेरी तीसरी कुर्ती जो मुझे पड़ी है 250 की। एक्चुअली क्या हुआ, पहले हमने ये कुर्ती ले ली थी, ये 250 की थी, फिर हम दूसरी शॉप में गए तो वहाँ 200 की थी, तो इसलिए मैंने वो दो कुर्ती ली, ये वाली वाइट वाली और ये वाली, और मुझे पछतावा आके मैंने ये 250 रुपए की ली, बल्कि सेम कुर्ती वहाँ भी मिल रही थी 200 की। ये थोड़ा सा साइज इसका छोटा है, थोड़ा सा ऐसी आ रही है, लूज ही आ रही है, बट ये भी तो इसके साथ ना इस तरीके से आप स्कार्फ कैरी कर सकते हैं। मुझे ऐसे करके स्कार्फ डालना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप स्कार्फ मुझे और लेने में बाद में लूँगी। तो ये है, जींस के साथ पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और मेरे एक दो सूट थे जो मैंने फिटिंग कराए थे वो ये रहे, एक ये है एक ये है। तो जब मैं कहीं बाहर जाऊँगी ना फुल ड्रेसअप होके तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने उस टाइम पर कौन सी कुर्ती ली थी, जींस के साथ और क्या कहते हैं पूरे लुक के साथ अच्छा लगेगा। अभी तो मैं घर के कपड़ों में और मेरा हुलिया बहुत खराब हो रखा है, अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ खाना बनाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने काम वगैरह कर लिया, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे को भूख नहीं लग रही थी, और बाकी तो खैर अभी खा रहा हूँ आम जो खट्टा है, ये दाल के पके हुए आम है, दवाई वाले आम नहीं, और पका लेते थोड़ा बहुत दाल में, दो चार दिन और रख लेते। तो चलो फिर ब्लॉग को वगैरह को एंड वगैरह कर लेता हूँ। खरा डाला पंखा मस्त काम कर रहा है अपना, एसी भी मस्त काम कर रहा है, बस तो खैर मैं गया यहाँ से, यहाँ पर से पैर ले जाओ बंद ऐसे, और मस्त करके अपना एंजॉय करता हूँ मैं। आऊँ खट्टा है सही है, मतलब ठीक ठाक है। तो चलो फिर अगले ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग तो अच्छा लगेगा बताया कि डिसलाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।